कराची से खैबर तक के अहवाल में खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। लैया में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए उलट गई। हादसे में 12 अफराद जान बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। भारत ने दरियाए चेनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद बढ़कर 83,144 क्यूसिक हो गई। ज़रई इंतजामिया ने मुमकिन असलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। फिरोजवाला में जाली पीर आवाम के हत्थे चढ़ गया। खूब दुर्गत बनाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मंडीशिया ज्यूना के नवाही इलाके में बिजली के पुराने टूटे फूटे पोल और लटकती बोसीदा तारें शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गईं। इलाका मकीन बाबडा की नाअहली पर सरापा एहतजाज। तौबा टेक सिंह मोहल्ला इस्लामपुरा का सीवरेज सिस्टम नाकारा। गलियां गंदे नालों का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सीवरेज सिस्टम बहाल करने का मुतालिबा। खानेवाल डीएचक्यू अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के बायस मरीजों के लवाहिकीन के लिए बनाया गया पार्क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। चकवाल का नवाही इलाका कटास राज हिंदुओं का तारीखी और मुकद्दस मकाम। माजी में नीलगो पानी से भरा रहने वाला कटास राज का तालाब सूख गया। सखर में बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की सेफको के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद फलेली नहर के किनारे आबाद मकीनों का एहतजाज। उनका कहना है इंतजामिया की जानिब से हमारे घरों पर चढ़ाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लसबेरा के साहली इलाके में माहीगीरों की कश्ती उलटने से 10 माहीगीर डूब गए। वाकये में 8 अफराद को बचा लिया गया जबकि 2 की तलाश जारी। कोयटा शहर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की किल्लत फौरी खत्म करने का मुतालिबा। पशीन के इलाके खनाई बाबा में बिजली की बंदिश और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली की बंदिश से खेती बाड़ी के लिए पानी भी दस्तियाब नहीं। कोहाट में 2 मुसाफिर कोचिज में तसादुम। 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मर्दान मैट्रिक बोर्ड ने तालीमी साल 2017 के सालाना नतायज का ऐलान कर दिया। तमाम पोजीशंस प्राइवेट स्कूलों के तलबा के हिस्से में आई जबकि सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। जन्नत नजीर वादी सवात जहां की तफरीगाहें और खूबसूरत मकामात अवामी तवज्जो का खास मरकज। वर्किंग डेज में भी ये वादी अवामुन नास से भरी रहती है। बहते झरने खूबसूरत आबशारे और दिल फरेब मकामात। कोटली आजाद कश्मीर में अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई।
होटल मालिकान ने किराए भी बढ़ा दिए। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। लैया से आपको खबर देंगे जहां पर मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए उलट गई। इस हादसे में 12 अफराद जहां बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लैया करोड़ रोड पर बस ड्राइवर की गफलत 12 लोगों की जान ले गई। तेज रफ्तार बस ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर खेतों में उलट गई। हादसे में 12 अफराद लुकमाए अजल बन गए। बस को पेश आने वाले हादसे में 25 अफराद जख्मी भी हुए। हादसे के बाद इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को बस से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से 3 शदीद जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। हादसे में जान होने वालों में 4 खवातीन, 2 बच्चे और 6 मर्द शामिल हैं। मरने वाले अफराद का ताल्लुक मियांवाली चकवाल तलागंग से है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। सादिकाबाद कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर उलटने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ऑयल टैंकर फर्नेस ऑयल से भरा हुआ था जो कि उलट गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। जीशान अख्तर हमारे साथ हैं। जीशान बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल शहता, सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बाद रांझे खां के मुकाम पर ऑयल टैंकर उलट गया है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि ऑयल फ्रंट ऑयल से भरा हुआ है। ऑयल टैंकर उलटने से 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को शेख जैद अस्पताल रहीमे खान मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद पुलिस और एहलकार और रेस्क्यू जाए वकूआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। जी रेस्क्यू की गाड़ियां इस वक्त जाए वकूआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं और रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। आपका शुक्रिया जीशान अपडेट्स के लिए। अब आपको बताएं कि डस्का में 7 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की गुमशुदगी का मामला हल हो गया है। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। डस्का के नवाही इलाके थाना सिटी में 7 रोज कबल 10 साल मोहसिन पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। वरिसा ने बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मकामी पुलिस को कर दी और अपने तौर पर भी तलाश जारी रखी। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे को नामालूम शख्स के साथ जाते देखा गया। वरिसा की दरख्वास्त पर पुलिस ने अदनान नामी शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज किया तो मुलजिम ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक उसने बच्चे को नहर में फेंक दिया और उसके कपड़े नहर किनारे दबा दिए। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की मदद से लाश की तलाश का अमल जारी है। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया है और हेडमराला के मकाम पर अब पानी की आमद बढ़ गई है। 83,144 क्यूसिक हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। इंतजामात के हवाले से मजीद बात करेंगे। मियां नईम इकबाल सियालकोट से हमारे साथ हैं। मियां नईम इकबाल बताइएगा क्या इंतज़ाम किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जी मैं इस वक्त जो है वो दरिया चनाब पे हेडमराला के मुकाम में मौजूद हूँ और यहाँ पानी की मकदार में जो है वो कल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। इस वक्त जो है यहाँ 83,144 क्यूसिक पानी जो है वो बह रहा है जो कि यहाँ मराला बराज पे जो है वो पहुँच रहा है। दूसरी जानिब जो है इस मराला बराज में जो है वो चूँकि दरियाए जम्मू तवी और दरियाए मनावर तवी भी जो है वो इसी हेडमराला के मुकाम पर इकट्ठे होते हैं, उनमें जो है एक दरियाए जम्मू तवी में जो है वो 5,515 क्यूसिक पानी है और दरियाए मनावर तवी में जो है वो 1,781 क्यूसिक पानी है। ये नॉर्मल इस वक्त जो है वो दरिया बह रहे हैं महकमा अनहार के महकमा एरीगेशन के मुताबिक। दूसरी जानब जो है वो ज़िले इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। बारिशों की वजह से जो है ये पानी में मकदार में भी इजाफा होता है। दूसरी जानब जो है वो भारत मकबूजा कश्मीर में इस दरिया पर बनाए गए गैर कानूनी बगलियाल डैम से भी पानी छोड़ता है जिसकी वजह से यहाँ नुकसान ना तो होते हैं चूँकि पानी जो है इन दोनों तीनों दरियाओं का पानी जो है वो इलाका बजवात में फैलता है, वहाँ भी नुकसान होते हैं और दीगर इलाकों में जो है वो पानी ये फैल जाता है जिससे लोगों के ज़री रकबे भी तबाह होते हैं, दीगर अमलाक भी जो है उनको भी नुकसान पहुँचता है। ये दरिया चनाब से तकरीबन 11 लाख क्यूसिक पानी का जो है वो रला गुजरने का जो है यहाँ जो है वो ये सहूलत भी है कि इतना पानी जो है यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन जो है इंतजाम भी मुकम्मल हैं।
और 24 घंटे जो है वो मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जी जी आपका शुक्रिया। मैं यहाँ नेम इकबाल हम इस साल को कर रहे थे और अभी आपको हम खबर देंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर कोहे सुलेमान में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के बाद नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों और अहम मकामात पर कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीद नकवी। नवीद बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं जिला इंतजामिया की जानिब से। जी इस वक्त हम डेरा गाजी खान में सैलाब की सूरत हाल, दरियाओं की सूरत हाल पता बुलंद हो रही है और नदी नाले जो कोहे सुलेमान का जो हमारा सिलसिला यहाँ चलता है, जो जिसका काबल और हिंदूकश पहाड़ों से होता हुआ यहाँ पर पानी आता है, इसी तरीके 2010 और 2013 में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मकान तबाह हुए। इंतजामिया ने इमदादी कैंप लगा दिए हैं, अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि सैकड़ों की तादाद में वहां पे तबाही हुई, सैकड़ों मकानात करोड़ों के नुकसान हुए, लेकिन इंतजाम ना होने के बराबर है। आज 250 टोटल तादाद है बिस्तरों की और सैलाब के लिए सिर्फ 10 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। जो आप इस वक्त अस्पताल की इंतजामिया से उनके डीएन से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे ये इंतजाम हैं जो 250 टोटल हैं और 10 बिस्तरे उन्होंने लगाए गए हैं। जो कि काफी हैं जो इंतजामात किए गए हैं अस्पतालों में और अहम मकामात पर, जिला इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि वो ना काफी हैं। गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब से कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन के इंजन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। गोजरा रेलवे स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस के इंजन को अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर जल्द काबू पा लिया। ट्रेन तकरीबन 2 घंटे तक रुकी रही। इंजन को आग लगने की वजह से रेलवे ट्रैक पर दीगर ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई, जिसके बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे सरगोधा से, जहां पर जिला कचहरी में आग लगने का मामला कमेटी कायम होने के बावजूद भी ताहाल आतिशबाजी की वजूहात सामने नहीं आ सकी। जिला कचहरी में आग लगने से अदालती फौजदारी और महकमा माल का 100 साल रिकॉर्ड जल गया था। जिला कचहरी में आग लगने का मामला है और इसी हवाले से मजीद जानेंगे। उस्मान शेख हमारे साथ हैं। उस्मान बताइएगा, फिलहाल कमेटी कायम की गई है, काम क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये सरगोधा में 25 तारीख चांद रात को जो है मुहाफ़िज़ खाना जिला कचहरी के अंदर वहाँ आग लग गई थी और ईद के ठीक दूसरे दिन 27 तारीख को दोबारा एक बार फिर आग भड़क उठी, जिसके ऊपर डीसी सरगोधा ने एक कमेटी भी कायम की थी और तकरीबन आज एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है कमेटी का कोई भी नतीज सामने नहीं आए और ना ही वजूहात जो है अभी तक सामने आ सकी हैं कि आग लगने की क्या वजूहात थी। और इस वक्त जो बिल्डिंग थी मुहाफ़िज़ खाने की उसे गिरा दिया गया है और तमाम जो रिकॉर्ड था जो जला हुआ था और जो पानी की वजह से जो फैब्रिकेट ने पानी दिया था उसकी वजह से खराब हो चुका है और बिल्डिंग के नीचे आया हुआ है, मलबे के नीचे सारा रिकॉर्ड जो है वो आया हुआ है और ताहाल कमेटी की तरफ से कोई भी जो है वो नहीं आएगी अभी तक। जी जी आपका शुक्रिया उस्मान शेख तफसीलात के लिए। फिरोजवाला में जाली पीर आवाम के हत्थे चढ़ गया, खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक के इलाके जावेद टाउन में लियाकत नामी जाली पीर ने पीरी फकीरी की आड़ में इशरत कदा बना रखा था। भेद खुलने पर मर्द और खवातीन ने जाली पीर को खूब आड़े हाथों लिया और उसकी दुर्गत बनाई। बाद हजां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक जाली पीर का ये धंधा काफी अरसे से चल रहा था और पुलिस को भी कई बार इसकी शिकायत की गई थी। मंडीशा जूना के नवाही इलाके में बिजली के पुराने टूटे फूटे पोल और लटकती झूमती बौसीदा तारें शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गई। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंडीशा जूना के नवाही इलाके में बाबदा हुकाम की लापरवाही के बायस बिजली अरसा दराज से लगे पोल खंभे और उन पर लटकती बौसीदा तारें और पुरानी होने के बायस बारिश झकड़ और तेज हवा के बायस आपस में टकराने लगी हैं।
मंडी शाह जीवना के नवाही इलाके में वापडाव काम की लापरवाही के बायस बिजली के अरसा दराज से लगे पोल और उन पर लगी तारें बोसीदा और पुरानी होने के बायस बारिश जखड़ और तेज हवा चलने के बायस आपस में टकराने से नीचे गिर पड़ती हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त खतरनाक हादसा या सानिया पेश आ सकता है। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि वापडा सर्कल डिवीजन 18 हजारी में कई बार बिजली की तारें और खम्भे तब्दील करने की दरखास्तें दी गयी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और इस मसले के बायस घंटों बिजली बंद रहती है। इसमें टू फेज तारें लगी हुई हैं जो बिजली के सिर्फ बल्ब तक नहीं जला सकती। पंखे तो चलाना बड़ी दूर की बात है। गर्मी यहाँ पे बहुत शदीद होती है क्योंकि थलका इलाका है और यहाँ लेकिन यहाँ के बिजली का निजाम बड़ा ही खराब है। हम बहुत ज्यादा तंग ये ट्रांसफार्मर गिर कर ये मकानों के ऊपर न गिर जाए। किस दफा दरखास्त दी है वापडा वालों को बताया है कोई नहीं उसके पास ख्याल कर। और यहाँ पे बिजली का निजाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। बहुत ही कम लाइट होती है जिससे लोगों की जरूरियात जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। उनके कारोबार इवन के घरों में भी लाइट बहुत कम होती है। शहरियों ने वापडा के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बोसीदा और पुरानी तारों और पुराने खम्भों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए ताकि अहले इलाका को नागहानी सूरतेहाल से महफूज रखा जाए। दीगर मसाइल की बात करेंगे। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला इस्लामपुरा में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरी अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गलियां गंदे नालों का मंजर पेश करने लगी हैं जबकि इलाका मकीन म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। ये मनाजर हैं टोबा टेक सिंह के मोहल्ला इस्लामपुरा के जहां सीवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना दोबर कर रखा है। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा होने लगा। तफन और गंदगी के बायस इलाके में बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। गंदे पानी की वजह नाल बड़ा मसला हैगा। बड़ी आलूदगी फैली हुई है। गटर बिल्कुल साफ नहीं हो रहे। शहरी कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों की जानब से इंतखाबात से कबल अवामी मसाइल हल करने के बुलंदोबांग दावे किए गए थे मगर हालात जू के तू है। 14 दिन हो गए लगातार लोगों ने जलील हो रहे खुआर 10-10 बार कह चुके लेकिन कोई बंदा नहीं आया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए धमकी दी है कि इलाका में फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए वरना म्यूनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद तोबा टेक सिंह। खानेवाल का रुख करेंगे जहां पर डीएसक्यू अस्पताल नामसाद हालात से दो चार है। मरीजों के लवाहिकीन के लिए बनाया गया पार्क गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है जबकि अस्पताल इंतजामिया इस मामले से बिल्कुल तौर पर बेखबर है और कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि इन हालात को बेहतर किया जाए या फैसिलिटेट किया जाए लोगों को। इसी बारे में मजीद जानेंगे। अहमद रजा हमारे साथ हैं। अहमद रजा बताइएगा इन तमाम चीजों से आगाह है अस्पताल इंतजामिया डीएसक्यू की? जी, जो खानेवाल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये 25 लाख से ज्यादा आबादी के लिए कायम किया गया था जहां लोगों को सहूलियात की एकदम दस्तयाबी का रोना तो एक मामूल की बात थी मगर अब सूरतहाल इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाना ही महाल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ग्रासी प्लाट गटर उबलने और सीवरेज सिस्टम की खराबी के बाय जोड़ की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। मौजूदा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मैस फोटो सेशन के लिए तो आ जाते हैं मगर डेंगू लार्वा की अफजाइश का बायस बनने वाले ऐसे पानी के जोड़ उनकी नजरों से मुसलसल हो चले। अस्पताल में मौजूद मरीजों को तफन बदबू के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही है और इसके लिए पूरे पंजाब में एक बड़ी खतीर रकम खर्च की जा रही है मगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में इन सहूलियात का तो फायदा उठाना दरकिनार। यहाँ पर जो मरीजों का रहना और उनसे मिलने के लिए आने वाले अफराद का खड़े होना भी मुश्किल है और ये सूरतेहाल मुसलसल कई दिन से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आने वाले अफराद के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। जी, सूरतेहाल परेशानी में मुब्तला करती है तमाम लोगों को जो कि अस्पताल में आते हैं लेकिन इस हवाले से जिला इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किया। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। एयर कंडीशनर और पंखे बंद होने से शदीद गर्मी और हब्स के बायस मरीज और उनके लवाहिकीन बेहाल हो गए हैं जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए।
टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल केवाड़ में एयर कंडीशन और पंखे बंद होने से गर्मी और हवस से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अस्पताल के वॉशरूम में गलाजत, कंटीन पर नाकस शाह की महंगे दामों फरोख्त और डॉक्टर के नारवा रवैये से मरीज खवार होकर रह गए हैं। डीएच को अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके लवाहकी ने बताया कि मजकूरा अस्पताल के मेडिकल और सर्जिकल वार्ड के तमाम एसी कई रोज से बंद हैं। मरीजों ने बताया कि वार्ड में मौजूद बेड और साइड टेबल टूटे हुए हैं और अस्पताल में तैनात अक्सर डॉक्टर हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। एसी बंद है और दवाई बाहर से लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से अपने पैसों से। अस्पताल के एमएस डॉक्टर आसिफ सलीमी ने मौका अख्तियार किया है कि बिजली की वोल्टेज की कमी बेशी के बायस जेर जमीन बिजली की मेन केबल जल गई है, जिसके बायस एसी और पंखे बंद हो गए हैं, जिन्हें जल्द मरम्मत करवा लिया जाएगा। एसी का ये प्रॉब्लम है कि ये लोड ज्यादा पड़ा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा पीछे से वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई है, पहले हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था फिर तार जल गई। शहरियों ने जिला पंजाब शहबाज शरीफ से डीएच को अस्पताल की हालत फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। खुशाब में मुस्लिम लीग नून के जेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने बताया कि जिला खुशाब के मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद जिला सदर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पैनामा लीग्स में आज मरियम नवाज साहिबा पेश हुई हैं, जो कि एक बड़ा फैसला है। उनका कहना था कि वह एहतसाब से नहीं डरते क्योंकि उनका दामन साफ है। नून लीग के मकामी रहनुमाओं का कहना था कि आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आने वाली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की ही होगी। और नाजिन, चकवाल में वाके हिंदुओं के मकदस मकाम कटास राज मंदिर के तालाब का पानी खुश्क हो गया है। दुनिया भर से हिंदू यहां पर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। ब्राह्मणों की रवायत के मुताबिक जब शिव देवता की बीवी सती मर गई तो उसे इतना दुख हुआ कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदी जारी हो गई और उनसे दो तालाब मार्ज वजूद में आ गए, एक अजमेर का पेशकर और दूसरा कटक शैल। यही लफ्ज कसरत इस्तेमाल से कटास बन गया। माजी में नीलगू पानी से भरा रहने वाला ये तालाब सूख कर अब कुछ ऐसा मंजर पेश करने लगा है कि हर साल इंडिया समेत दुनिया भर से यात्री यहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान कटास राज के तारीखी मंदिर को सनतों की वजह से लाहक खतरात का नोटिस ले। राजनपुर की तहसील कोटमिठन में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के उर्स की मुबारक की तीन रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। मुल्क भर से जायरीन कसीर तादाद में शरीक हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सज्जादा नशीन दरबारे आलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा के वालिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कुरेजा का सालाना उर्स मुबारक कसरे फरीद पर मनाया गया। इसमें शहर की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा जायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम मशायख मुकर्ररीन ने खूबसूरत बयान से अकीदतों के फूल नचावर किए। इस मौके पर ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा पीर ऑफ कोटमिठन, ख्वाजा आमिर कुरेजा एसक्यूआई के सरबरा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा औलिया अल्लाह के मजारात अमन और सलामती और भाईचारे की दरसगाह तसव्वुर किए जाते हैं, जहां पर अकीदतमंद जोक दर जोक हाजिरी देकर फयूज़ो बरकात हासिल करते हैं। अब्दुल हमीद शाकिर, वक्त न्यूज, राजनपुर। सुबह सिंध में खबर आपको देंगे खैरपुर से, जहां पर पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पांच इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लूटी हुई 10 मोटरसाइकिलें और 2.5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। एसपी सिटी खैरपुर इमरान मिर्जा ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने फरमान मलिक समेत पांच इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से 2.5 लाख की नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मुलजिमान संगीन नोयत के मुकदमों में मतलूब थे। मुलजिमान से बरामद शुदा रकम में 50,000 रुपये डॉक्टर सोहराब और 1.5 लाख रुपये दीवान प्रेमचंद को दे दिए। तीन मोटरसाइकिलें उनके असल मालिकान को वापस की जा चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज है सखर से। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। न्यू पेंड, गरीबाबाद, पुराना सखर और माइक्रो कॉलोनी के मकीन सेपको के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे मुबीन खान से। मुबीन, बताइएगा इस तमाम तर कॉलोनीज के मकीन सरापा एहतजाज हैं इस वक्त।
जी बिल्कुल, सखर के बेशतर इलाकों में जो बिजली की बिला तातुल जो फरामी है जो मुकम्मल तौर पे नाकाम है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि बिजली के जो बिल अरसाल किए जा रहे हैं उनमें ओवर रीडिंग और डिडक्शन जैसे बिलिंग जो है वो शामिल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़हनी अज़ियत का शिकार है। साथ गर्मी और हब्स की वजह से पहली बिजली की लोड शेडिंग से परेशान थे। साथ सेबको की मनमानियाँ और उनके जो अहलकार हैं उनकी जानब से ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन जैसे जो नासूर जो है वो आम के लिए सरदर्द बने हुए। इस मौके पर जो एहतजाज करने वाले शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और जो कि सेबको और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी, सेबको और वापडा के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। मुबीन खान हमें अपडेट कर रहे थे। दादू में एंटी करप्शन की टीम ने सिविल जज के हमराह महकमा रोड के दफ्तर पर छापा मारा और दो साल का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। अमले में उस वक्त भगदड़ मच गई। एंटी करप्शन जामशोर जोन सर्कल ऑफिसर ने अपनी टीम और सिविल जज के हमराह महकमा रोड दादू के दफ्तर पर छापा मारा। एंटी करप्शन का छापा पड़ने पर अमले में भगदड़ मच गई। एंटी करप्शन टीम ने दो साल का रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। टीम ने तरक्याती कामों की तफसील और रकम के मुतालिक मालूम देने पर MB बॉक नंबर को भी तहवील में ले लिया। एंटी करप्शन टीम रिकॉर्ड का जायजा भी लेगी और पहले से दस्तयाब शुदा खुफिया मालूमात को भी परखेगी। सखर से खबर है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौजी आमिर की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के खिलाफ यौम सयाह मनाया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा भी किया। सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 जुलाई 1977 को फौजी आमिर की जानिब से मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ आज यौम सयाह मनाया। पीपल्स पार्टी के दफातर पर स्याह परचम लहराए गए जबकि कारकुनान ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधी। जियालों ने मकामी क्यादत के हमरा सखर प्रेस क्लब के बाहर आमिराना इकदाम के खिलाफ मुजाहिरा और नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना था कि एक आमिर के उठाए गए इकदाम की सजा कौम आज भी भुगत रही है। भुट्टो की हुकूमत का खात्मा ना किया जाता तो आज पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होता। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वो वाहिद जमात है जो अवाम में यकसां तौर पर मकबूल है। हैदराबाद फलेली नहर के किनारे आबाद मकीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनके घरों पर चढ़ाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में नहर के किनारे पर आबाद मकीनों ने जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि वो नहर के किनारे कई सालों से आबाद हैं, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से बिला वजह उन्हें तंग किया जा रहा है और तजावजात के नाम पर उन्हें बेघर करने की साजिश की जा रही है जो कि नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से उनके घरों पर चढ़ाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें ये हमारे घर मिसमार करके एक रास्ता एक नाला, तो मैंने जाम करम खान शोरों से बात की कि एक रास्ता निकालेंगे फतेह चौक के रोड से मिलाएंगे। भाई बाईपास घरों को मिसमार करके बनाया जाते हैं क्या? हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारी लेडीजें परेशान हो रही है। घरों के अंदर आए दिन आए थे निशाना लगाने के लिए, कभी 120 फीट का निशान लगाए थे, कभी 130 फीट का निशान लगाए थे। उनका मजीद कहना था कि उनके घर कानूनी है, लिहाजा आला हुकाम तजावजात के नाम पर शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन का फौरी नोटिस ले और उन्हें बेघर होने से बचाया जाए। उनाजिन ठट्ठा में पाक चीन दोस्ती से मुतालिक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती रोज़ बरोज मजबूत हो रही है। सीपेक मंसूबा उसका सबूत है कि पाकिस्तान माशी तरक्की में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकरीब में चाइना काउंसलेट के नुमाइंदे वांग पिंग भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में कहा कि बदकिस्मती से मुल्क के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबा सिंध में 6,000 स्कूल गुज़िश्ता 5 बरसों में बंद हुए। सिंध में 600 अरब रुपए स्कूलों पर खर्च किए गए। इतना खर्च होने के बावजूद भी 4 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनका कहना था कि पाक चाइना दोस्ती दो मुल्कों का नहीं बल्कि दो कौमों के दरमियान एक रिश्ता है। चीन पाकिस्तान की इक्तसादी और माशी तरक्की के लिए भरपूर तावुन कर रहा है। इस मौके पर एक स्कूल को फर्नीचर्स तख्ता स्याह और सेफ अलमारियाँ भी फराहम की गईं। ब्रेक
ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको यहाँ पर। लसबेला के साहरी इलाके में माहीगीरों की कश्ती उलटने से 10 माहीगीर डूब गए हैं और इस वाकये में 8 अफराद को बचा भी लिया गया है, जबकि 2 की तलाश का अमल इस वक्त जारी है। खबर आपको दे रहे हैं हब लसबेला के साहरी इलाके से, जहाँ पर माहीगीरों की कश्ती उलट गई है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, महबूब शवाहनी हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब बताइएगा, 2 की तलाश जारी है, इस समय कोई कामयाबी मिल सकी है क्या? जी, ये डाम बंदर के इलाके में माहीगीरों की कश्ती डूब गई, जिसमें 10 अफराद सवार थे, जिनमें से 8 को बरवकत बचा लिया गया है और बाकी 2 अफराद ताहाल लापता है और उनको उनके रेस्क्यू का काम जारी है। मुकमा फिशरीज के मुताबिक मौसम की खराबी और समंदर में तेज हवाएं चलने से रेस्क्यू में मुश्किल का सामना है, मगर ताहाल इनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। ताहाल रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन ताहाल इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है इन टीमों को जो कि रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और नज़रें पेट्रोल की किल्लत की बात करेंगे। क्वेटा शहर में पेट्रोल की किल्लत अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। पेट्रोल पंप्स के सामने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की किल्लत फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा शहर और गिर्दोनवा में 2 रोज से पेट्रोल की शदीद किल्लत है। ज्यादातर पेट्रोल पंप के मालकान ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी है और जहां कहीं दस्तयाब है वहां गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों की लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। पेट्रोल न मिलने से शहरी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि हमारे मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गए हैं। हुकूमत पेट्रोल की किल्लत फौरी तौर पर खत्म करे। 5-6 पंप से मैं आकर आ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं भी पेट्रोल नहीं मिले और यहाँ पे भी आपके सामने कितना रश लगा हुआ है और गाड़ियां पीछे खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, पंप पे काफी लेने लगी हुई पेट्रोल, तो यानी काफी पंप बंद है जो मैं वहां से पेट्रोल नहीं मिलता है। जहां पे जाओ तो काफी लेने, तो काफी पंपे बंद आ रही हैं, यानी बंद किए उन्होंने, यानी हर जगह में यही मसला मुश्किल, काफी मुश्किल है उनों के लिए। शहर में मौजूद सूरतेहाल के पेश नजर प्राइवेट स्कूल्स में मजीद 10 दिन की छुट्टियां दे दी गई हैं। दूसरी जानब पेट्रोल पंप मालिका ने ये मौकफ इख्तियार किया है कि कराची से पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही कराची से पेट्रोल आएगा तो मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। खोसा कौमी इत्तेहाद के सरबराह मीर निसार खोसा का कहना है कि नसीराबाद डिवीजन में बनने वाला मुस्लिम लीगी सियासी इत्तेहाद कौम को एक मरतबा फिर धोखा देने के मुतरादिफ है। जाफराबाद में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए खोसा कबाइल के सरबराह हाजी मीर नसीर खान खोसा का कहना था कि खोसा और जमाली कभी भी एक नहीं होंगे। सियासी इत्तेहाद बनाकर एक मरतबा फिर कौम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि खोसा कबाइल इस सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। मीर निसार खान खोसा ने मजीद कहा कि सूबे के हालात खराब नहीं है, मगर हमारे सियासतदान अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मनपसंद अफसरान को तायुनात करके हालात को खुद खराब कर रहे हैं। और उधर पशीन में बिजली की बंदिश और गैर ऐलान या लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने मकामी ग्रिड स्टेशन के सामने टायर जलाकर शदीद नारेबाजी भी की। पशीन के इलाके खानाई बाबा में बिजली की बंदिश और गैर ऐलान या लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों ने यारो ग्रिड स्टेशन के सामने टायर जलाकर मुजाहिरा किया। मुजाहरीन ने बाबडा और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर इन मुजाहिरीन का कहना था कि 24 में से 2.5 घंटे बिजली फराहम की जाती है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से खेती बाड़ी के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं, जिससे उनका ज़रिया माश भी शदीद मुतासिर हुआ है। मुजाहिरीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जही से खानाई बाबा का इलाका पसमानगी का शिकार है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बाबडा और ज़िले इंतजामिया खानाई बाबा में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। डेरा अल्लाह यार बचाओ तहरीक ने आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने तहलीस चौकस पर धरना देकर सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। डेरा अल्लाह यार बचाओ तहरीक की जानिब से निकाली गई रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील चौक पहुँच कर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि डेरा अल्लाह यार में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। शहरियों को पीने का साफ पानी मिलता नहीं। उन्होंने कहा कि शहर में अकलियती बरादरी भी अदम तहफ्फुज का शिकार है। मकामी हुकूमत साबिक सेनेटर हेमंत दास के बेटे विकी कुमार की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाए और ताजिर दीप कुमार के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। रैली के अख्ताम पर तहसील चौक पर एहतजाजी कैंप लगाया गया।
डेरा अलैयार बचाओ तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। कोहाट में दो मुसाफिर कोचिस में तसादुम के नतीजे में दो मुसाफिर जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। कोहाट इंडस हाईवे के करीब दो मुसाफिर कोचिस आपस में टकरा गईं जिसके नतीजे में दो मुसाफिर जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। एनडी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। दूर रफ्तादा इलाका होने के बायस इमदादी टीमें बर वक्त नहीं पहुंच सकीं, इसलिए मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, मानसून बारिशें और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा के 11 अज़ला को हसास करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हिकमत अमली भी बना ली है। चार सदा, नौशहरा, डी आई खान, सवात और चित्राल को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से PDMA को 1 अरब रुपये भी जारी कर दिए हैं ताकि वो इस तमाम तर सूरत हाल में जो हिकमत अमली तैयार की है उसके हवाले से इकदाम कर सके। एबटाबाद के नवाही इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एबटाबाद के इलाके धमातोड़ में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम में बड़ा लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर राख हो गया। इस ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 एबटाबाद की 3 गाड़ियों और 22 अहलकारों ने हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह हाल मालूम नहीं हो सकी। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा। ISPR का बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। यह मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना भी बना सकता है। ISPR की जानिब से ताजा तरीन यह खबर सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा किया है और यह बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। 60 से 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इतनी रेंज में ये अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसी बारे में मजीद जानेंगे सरदार हमीद से। सरदार हमीद बताइएगा, ISPR का मजीद क्या बताना है इस मिसाइल तजुर्बे के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक कामयाब तजुर्बा किया बैलिस्टिक मिसाइल नसर, इसका नाम है, और पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा जो है इसमें विटनेस थे और उनकी मौजूदगी में इसका कामयाब तजर्बा किया गया। ISPR का ये कहना है कि 60 से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है और 60 से 70 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। और ये बताना है ISPR का, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अपने दफाई पोजीशन जो है उसको वाजे तौर पर जो है इसको अपने जो दुश्मन है उनको भी एक वाजे पैगाम दिया जा रहा है। और ये फैसला किया गया था कि सीरीज ऑफ मिसाइल टेस्ट जो है वो किए जाएंगे और उसी की ये कड़ी है। आज पहला तजर्बा किया गया, पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें मुबारकबाद दी साइंसदानों को और जो इसकी तैयारी में जितनी भी टीम शामिल थी उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें कहा कि पाकिस्तान जो है नाकाबले तफ़ीर है और किसी भी खतरात से, किसी भी किस्म के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान जो है वो पूरी सलाहियत रखता है। और उसी सिलसिले में आज ये पहला तजर्बा जो है वो किया गया और कामयाब तजर्बा था जो मिसाइल का नसर, इसका नाम है, पाकिस्तान प्लास्टिक नसर मिसाइल है और इसका कामयाब तजर्बा आज किया गया। जी जी, आपका शुक्रिया सरदार हमीद, हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा। ISPR का बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये मिसाइल जिसका आज कामयाब तजुर्बा किया गया है पाक फौज की जानिब से, ये 60 से 70 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अमन की जमानत है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा है। और पाकिस्तान
दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करने के लिए ये तजुर्बात किए जा रहे हैं। और इसकी खबर पहले भी ब्रेक की गई थी और आज ये तजुर्बा किया गया है। पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल नसर का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR का बताना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और इसकी सलाहियत यह है कि यह 60 से 70 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे मर्दान से, जहां पर मैट्रिक बोर्ड ने तालीमी साल 2017 के सालाना नतायज का ऐलान कर दिया। तमाम पोजीशंस प्राइवेट स्कूलों के तलबा के हिस्से में आ गईं, जबकि सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी मायूस कन रही। मर्दान मैट्रिक बोर्ड में पहली पोजीशन कायदे आजम पब्लिक स्कूल के तालिब इलम बहराम खान ने हासिल की, उन्होंने 1051 नंबर लेकर टॉप किया। दूसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर 3 तालिबे इल्मों के हिस्से में आई, कायदे आजम पब्लिक स्कूल की मरवा नूर और दुआ बीबी, जबकि ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के मोइज़ अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कायदे आजम गर्ल्स स्कूल की तस्दीक अनवर और स्टूडेंट मॉडल स्कूल की मोमना नजम ने मैट्रिक के इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। मर्दान मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 75.6% रहा। इम्तहानात में सरकारी स्कूल की कारकर्दगी मायूस कन रही। SSP ट्रैफिक पिशावर यासिर आफरीदी ने कहा है कि शहर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मास्टर प्लान तरतीब दिया है। ट्रैफिक पुलिस लाइन पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP ट्रैफिक यासिर आफरीदी का कहना था कि पिशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का आगाज 1 अगस्त से होगा। शहर में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस हर हाल में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएगी। उन्होंने बताया कि मंसूबे का आगाज चमकनी जोकोटी पुल से होगा। मुख्तलिफ मकामात पर 26 स्टेशन बनाए जाएंगे। मंसूबे के रास्ते में आने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मास्टर प्लान तरतीब दिया है। SSP ट्रैफिक यासिर आफरीदी का मजीद कहना था कि मंसूबे के दौरान ट्रैफिक की रवानी और इंतजामी से तआवुन के लिए अवाम में शऊर उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कराची से खैबर तक हवाला आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।